नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है पोको का X2, जिसके पीछे मैंने स्पाइडरमैन की एक स्किन लगा रखी है, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इसका मैं एंटीटू बेंचमार्क दिखा देता हूँ, जो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 730G के साथ, जिसमें जी का मतलब है गेमिंग। तो चेक करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें PUBG, जो सबसे पॉपुलर गेम है आजकल। तो PUBG लोड हो गया है हमारा। तो इसकी मैं आपको एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ये HD पे है और हाई पे चल रहा है। इसमें HDR का अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं है, और अल्ट्रा HD तो कमिंग सून ही दिखा रहा है। तो अभी ये हायर सेटिंग्स पे चल रहा है, जो अभी ये ओरिजिनल सपोर्ट करता है। तो फिलहाल मुझे कोई लैग नहीं दिख रहा है स्क्रीन के अंदर। इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे मैं स्क्रीन शेक भी करी तो काफ़ी अच्छे से ग्राफिक्स रेंडर हो रहे हैं। तो थोड़ा आगे खेलते हैं। तो कैमरा एंगल चेंज करने के बाद भी इसमें कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर। इसकी स्क्रीन थोड़ी वाइड है, तो मैं थोड़ी कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ इसके शूटिंग बटन का। इसको आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, हो सकता है आपका पहले फ़ोन अलग स्क्रीन साइज़ का हो तो आपको दिक्कत हो सकती है कई बार। जैसे मैंने इसको शूट किया, इसमें कोई लैग कुछ नहीं आया, तो काफ़ी क्विक है ये। इसकी हीटिंग की बात करें तो बैक साइड में 34.8 आ रहा है, और स्क्रीन के आसपास मैं देख रहा हूँ 34.6 के आसपास आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसके ग्राफिक्स काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई भी लैग नहीं है। मैंने इसको अराउंड 35 से 40 मिनट इसको खेला है लगातार PUBG, और मेरे को इसके अंदर कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखे हैं फिलहाल के लिए। पीछे से होल्ड करने में हल्का सा वार्म हो रहा है ये, पर कोई भी इसका हीटिंग इशू नहीं है। अब ये स्क्रीन साइज से अगर इसका टेम्परेचर चेक करें तो इसका आ रहा है 37.3, और बैक साइड में इसका आ रहा है 37, जो काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है गेमिंग के मामले के अंदर। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है गेमिंग के मामले में। PUBG काफ़ी अच्छा चला, पर इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर इन्होंने अल्ट्रा HD और HDR इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, जो कि दे सकते थे क्योंकि ये 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले सपोर्ट करता है, पर इसके अंदर जो PUBG है वो 60 फ्रेम से ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी या।